वेलकम डियर स्टूडेंट टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल माय नेम इज़ सुवर्णा पाटिल टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस लेसन नंबर ट्वेंटी सिक्स एज वी गो फ्रॉम द थर्ड टू द फोर्थ स्टैंडर्ड यानी तीसरी से चौथी में जाते हुए ओके कैन यू टेल वेन यू आर ग्रोन अप ग्रोन अप यानी के बढ़ना व्हाट डू यू वॉन्ट टू बी बड़ा होने पर तुम क्या बनना चाहते हो ग्रोने ग्रोन अप यानी के बढ़ना देखो बच्चों, हर एक का एम्बिशन होता है कि जो हम बचपन में ही तय कर लेते हैं कि हमें बड़ा होकर क्या बनना है इन अ प्रीवियस प्रीवियस यानी के आगे का या पीछे का इन अ प्रीवियस लेसन यू ड्री ड्रीव अ पिक्चर ऑफ हाउ यू वुड लुक आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स देखो हम लोगों ने समय का बोध नामक प्रकरण में तुमने आपका एक चित्र बनाया होगा यानी कौन सा अगले बीस वर्षों के बाद तुम कैसे दिखोगे यह हम लोग एक इमेजिन करते हैं कि हम ट्वेंटी ईयर्स के बाद कैसे दिखेंगे दैट वॉज इमेजिनरी बिकॉज नो वन नोन हाउ यू विल लुक अपटर ट्वेंटी ईयर्स और जो हम कल्पना करते हैं वह निश्चित रूप में नहीं बता सकते कि हम एग्जैक्टली exactly या परफेक्ट आप लोग बता सकते हो क्या कि ट्वेंटी ईयर्स के बाद आप लोग कैसे दिखोगे या क्या बनना चाहोगे नहीं ये हम लोग एक इमेजिन कर सकते हैं और लेकिन निश्चित रूप में हम यह बता नहीं सकते हैं कि हम कैसे दिखेंगे और कैसे नहीं ओनली हम लोग इमेजिन कर सकते हैं हाउ यवर व्हाट डू यू विश टू बी वेन यू ग्रो अप और क्या होता है हम लोग विश भी रखते हैं कि हमें बड़ा होकर क्या बनना है हम कैसे दिखेंगे और हमें क्या बनना है ये भी हम लोग सोचते हैं What डू यू वॉन्ट टू अचीव अचीव यानी के मिलना यानी जो जिसके तक हमें जाना है वह हमें हासिल करना दैट इज थिंग्स यू कैन डिसाइड फॉर यूअर सेल्प और हमें क्या करना है तुम्हें क्या करना है तुम्हें क्या दिखाना दिखना है तुम्हें क्या कर दिखाना है ये भी आप लोग क्या करते हैं निर्धारित कर सकते हैं क्या कर सकते हैं जैसे हम कैसे दिख सकते हैं इसके साथ ही साथ हमें क्या बनकर दिखाना है हमें पेरेंट्स के पेरेंट्स को वो भी हम लोग निर्धारित कर सकते हैं लेकिन दैट इज़ समथिंग्स यू कैन डिसाइड फॉर यूअर सेल्फ हम उसे डिसाइड कर सकते हैं लेकिन बट टू अचीव इट यू मस्ट लर्न अलॉट यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड अचीव यानी कि हासिल करना हम लोग ये निर्धारित तो कर सकते हैं कि हमें आगे चलकर डॉक्टर बनना है टीचर बनना है या पुलिस बनना है यह हम लोग निर्धारित कर सकते हैं लेकिन वह कब हासिल होगा बच्चों जब आप लोग क्या करेंगे हार्ड वर्क हार्ड स्टडी करेंगे यदि आप लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे पढ़ाई में बहुत परिश्रम करेंगे तभी आप लोग यह हासिल कर सकते हैं ऐसा तो नहीं बच्चों कि यदि आप लोगों ने कि स, कहा कि मुझे आगे चलकर टीचर बनना है और उसके लिए आप लोग पढ़ाई ही ना करो स्टडी ही ना करो तो आप लोग विदाउट स्टडी के टीचर बन सकते हो क्या नहीं उसके लिए आपको हार्ड स्टडी करना पड़ेगा साथ ही साथ यदि आपने न, कहा कि चलो मुझे मेडिसिन समझ में आती है हमें आगे चलकर डॉक्टर बनना है और हाथ पे हाथ बैठकर आप लोग बैठ गए तो आपको कामयाबी हासिल होगी क्या नहीं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों बहुत स्टडी करनी पड़ेगी हार्डवर्क करना पड़ेगा लर्निंग डज नॉट मीन ओनली गोइंग टू स्कूल लर्निंग यानी के पढ़ना पढ़ने का अर्थ ओनली केवल पाठशाला में जाकर पढ़ाई करना ऐसा होता है क्या नहीं बच्चों नहीं तो सिर्फ आते हैं सुबह को टिफिन लेकर और एक बजे तक हम लोगों ने पूरी आ, एक बजे तक हम लोग स्कूल में रहे और हो गई हम हमारी पढ़ाई यानी पढ़ना यानी कि के केवल स्कूल में जाना होता है क्या नहीं वी लर्न एट स्कूल ऑफ कोर्स हमें क्या करना चाहिए ओनली स्कूल में जाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है हम पाठशाला में तो पढ़ते ही हैं लेकिन उसके साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए बट वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम अवर एल्डर्स एट होम देखो बच्चों, स्कूल में आपको आपकी टीचर पढ़ाती है लेकिन उसके साथ ही साथ आपको आपके घर के जो एल्डर्स होते हैं जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उन लोगों से भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है एल्डर्स एट होम वी कैन लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू दैट इज़ वाई वी स्टडी द इन्वायरमेंट और हमें हमारे जे जो घर के सदस्य होते हैं उनसे भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है और हम अपने परिसर से भी बहुत कुछ सीखते हैं इसलिए हम परिसर का अध्ययन करते हैं देखो बच्चों हमें परिसर भी बहुत कुछ बातें सीखा जाता है ओके कैरिंग फॉर द इन्वायरमेंट परिसर के प्रति हमारी आस्था कैसी होनी चाहिए वो भी हम देखेंगे आवर इन्वायरमेंट डज नॉट बिलोंग टू अस अलोन देखो जो हमारा इन्वायरमेंट है वह ओनली हमारा है क्या उनपे उस एन्वायरमेंट में सिर्फ हमारा ही अधिकार है क्या नहीं इट बिलोंग्स टू ऑदर्स टू इट टेक्स केयर ऑफ ऑल अवर नीड्स देखो बच्चों जो हमारा इन्वायरमेंट है जो हमारा परिसर है वह हमारे साथ ही साथ अन्य लोगों का भी है यानी उन उस परिसर पे हमारा जितना अधिकार है उतना उन लोगों का अन्य लोगों का भी अधिकार उस पर होता है इसीलिए हमें क्या करनी पड़ कर हमने क्या करना चाहिए उस परिसर की जो परिसर द्वारा ही जो परिसर होता है उसके द्वारा ही हमारी पूर्ति होती है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए दैट इज़ वाई टॉकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंट इज़ आवर ड्यूटी और उसी इन्वायरमेंट से हमें हवा मिलती है शुद्ध हवा मिलती है तो उसके बाद जब हमें धूप लगती है तो हम लोग पे पौधों के नीचे पेड़ के नीचे हम लोग खड़े रहते हैं इसीलिए और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे लाइफ की अटैचमेंट उस इन्वायरमेंट से होती है इसीलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों उसकी केयर करनी चाहिए क्या करनी चाहिए उसकी केयर करनी चाहिए उन्हें संभालना चाहिए वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ आवर होम एंड आवर स्कूल टू बिंग विथ देन ऑल आवर सराउंडिंग्स विल बिकम ब्यूटीफुल और हमें क्या करने चाहिए सबसे पहले हमें अपना स्वयका जो घर है उसके बाद जो अपना परिसर है और साथ ही साथ जो हमारा स्कूल है यानी कि जो हमारा विद्यालय है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए लेकिन हम क्या करते हैं हमारे क्लास में बहुत हमारे क्लास को बहुत गंदा कर देते हैं जो कोई पेजेस होते हैं हम लोग उसे फाड़कर उसी क्लास में फेंक देते हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं जिस तरह हम क्लास में करते हैं उसी तरह हम हमारे परिसर में भी करते हैं कोई भी अच्छी जो चीज़ हमें अच्छी ना लगती हो हम क्या करते हैं उसे हमारे उसी परिसर में फेंक देते हैं और उसे गंदा कर देते हैं लेकिन बच्चों यह सही नहीं है हमें सबसे पहले हमारा घर का ख्याल रखना चाहिए उसके साथ ही साथ जो हमारा परिसर है जिस परिसर से हम लोग जुड़े हुए हैं उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ जो हमारा विद्यालय है वह हमारा एक मंदिर होता है इसीलिए हमें उसका भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए देन ऑल आवर सराउंडिंग्स विल बिकॉम ब्यूटीफुल हमें क्या करना चाहिए ऐसा करने पर हमारा जो परिसर है वह क्या हो जाएगा ब्यूटीफुल यानी कि आसपास का जो परिसर है वह सबसे सुंदर सबसे निराला हो जाएगा यदि हम लोगों ने उसकी जो केयर है वो की उसे अच्छे से हमने रखा तो वह बहुत ब्यूटीफुल बन सकता है वी मस्ट यूज़ द थिंग्स वी रिसीव फ्रॉम द environment केयरफुली दैट इज़ why वी मस्ट नेवर वेस्ट फूड और वाटर और साथ ही साथ परिसर द्वारा हमें जो वस्तुएं मिलती है हमें उन वस्तुओं का सही उपयोग सही इस्तेमाल करना चाहिए तात्पर्य यह है कि हमें भोजन तथा पानी इत्यादि का अपव्यय नहीं करना चाहिए देखो बच्चों हमें बहुत ऐसी बुरी आदत होती है कि जो हमारा भोजन होता है वह हम लोग पूरा खत्म नहीं करते हैं और जो बचा बचा भोजन होता है वह हम हमारा जो परिसर होता है हम वहीं पे फेंक देते हैं और उ, उसके साथ ही साथ हम जो हम पानी होता है उसका भी बहुत दुरुपयोग हम करते हैं लेकिन यह सरासर गलत है हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और उस परिसर में जो भोजन है पानी है वह हमें फेंकना नहीं चाहिए और उसकी सावधानता सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए ओके यूज़ यूअर ब्रेन पावर थोड़ा सोचो व्हाट विल हैपन इफ वी प्लग फ्लावर्स इन अ पब्लिक गार्डन यदि हम सार्वजनिक बाग के फूल तोड़े तो क्या होगा व्हाट विल हैपन इफ यू थ्रो गार्बेज फ्रॉम अवर होम्स ऑन टू द रोड यदि हम घर का कूड़ा कचरा सड़क पर फेंक दें तो क्या होगा वाई मस्ट वी नॉट कर Our names on the walls of historical monuments. ऐतिहासिक वस्तुओं के दीवारों पर हमें अपना नाम क्यों उकेरना अपना नाम क्यों नहीं उकेरना चाहिए Why must we not throw plastic carry bags and bottles here and there? प्लास्टिक की थैलियाँ और बोतलें हमें यहाँ वहाँ क्यों फेंकना नहीं न चाहिए देखो बच्चों ये जो हमें दिया है यह हमें हमारा परिसर अच्छा रखने के लिए यह क्वेश्चन पूछे गए हैं ताकि हम हमारे जो सार्वजनिक गार्डन है उसमें के फूल ना तोड़े यदि हम लोगों ने उसमें के फूल नहीं तोड़े तो वह गार्डन और भी सुंदर दिखेगा और उसकी शोभा और भी बढ़ जाएगी उसके बाद जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती है यह हमने हम लोगों ने यदि उन्हें इधर उधर नहीं फेंका तो जो परिसर है वह बहुत अच्छा दिखेगा इसीलिए हमें यह करना नहीं चाहिए कैन यू टेल वॉट डू यू लाइक अबाउट यूर इन्वायरमेंट एंड तुम्हारे परिसर में तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्यों? अवर हाउस एंड होम हमारा घर ओके okay? देखो क्या तुमने देखा है कि पक्षी भी घोंसले बनाते हैं जैसे हमारा घर होता है बच्चों वैसे ही पक्षियों का भी घोंसला होता है देवर्क वेरी हार्ड फॉर देयर लिटर वंस डू नॉट दे और अपने बच्चों के लिए उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ता है मेंबर्स ऑफ यूर फैमिली ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर यू तुम्हारे घर के लोग भी तुम्हारे लिए इतना ही परिश्रम करते हैं देखो बच्चों आपके माता पिता बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद आपको अच्छी परवरिश देते हैं साथ ही साथ अच्छा एजुकेशन देने के भी वह बेचारे कोशिश करते हैं और साथ ही साथ हमारा जो बच्चा है उसे ऐसा ना लगे कि कोई चीजें उसे नहीं मिले इसके लिए वह स्वयं बहुत कष्ट करते हैं खुद भूखे पैसे रहते हैं लेकिन आपके लिए वह कमाते हैं जिस तरह पक्षियों के पक्षी घोंसले करते हैं अपने बच्चों के लिए उसी तरह आपके पेरेंट्स भी आपके लिए बहुत परिश्रम करते हैं और इसीलिए यू शुड बी अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है अभी हम देखेंगे ओके